रिवोट NX 100 एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो काफी समय से हल्ला मचा रही है मार्केट में कि यार कुछ बड़ा ला रही है, कुछ बड़ा ला रही है। फाइनली उन्होंने अपनी गाड़ियों को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च करने के बाद जो उन्होंने रेंज शो किया है उसके बाद तो भैया परख अच्छे उड़ गए दूसरे कंपनियों के, क्योंकि इन्होंने जो रेंज शो किस किया वो रियल वर्ल्ड रेंज है, और रियल वर्ल्ड रेंज जो इन्होंने शो किस किया वो काफी बेहतर है दूसरी कंपनियों के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी ऑप्शन है वो काफी ज्यादा प्रोवाइड किया गया। और इनका जो लॉन्चिंग इवेंट है वो मेरे को काफी पसंद आया, बहुत शॉर्ट टाइम में सारी चीजें इन्होंने बता दी, साथ में जो मीडिया उनको भी गाड़ी प्रोवाइड की दिखाया, बट किसी को राइड करने नहीं दिया क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप गाड़ी है, प्री प्रोडक्शन गाड़ी बोल सकते हो। एक्चुअल जब प्रोडक्शन होगा उसके बाद जो गाड़ी आएगी उसको टेस्ट राइड बाद में मीडिया को दिया जाएगा। इस गाड़ी में क्या क्या है सारी चीजें बात करते हैं एक एक करके विश्लेषण तरीके से कि क्या क्या मिलता है। यहाँ पे इस गाड़ी में मिलता है ऑन बोर्ड चार्जिंग, यानी कि आपको चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्जर इन्होंने गाड़ी के अंदर ही फिक्स कर दिया, सीधा आपको केबल खींचना है, प्लग में लगाना है और चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है एक फास्ट चार्जिंग का पोर्ट जो एक्चुअल में इसके फ्रंट फेंडर पे प्रोवाइड किया गया है, और जो बैटरी बैग है उसको कर दिया फ्लोरबोर्ड के नीचे, इस कारण से जो अंडर सीट स्टोरेज वो काफी ज्यादा हो जाती है, इस कारण से वहां पर डबल हेलमेट रख सकते हैं, दो बड़े साइज के हेलमेट इजीली कैरी कर सकते हैं इस वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर में। कंपनी ने इसमें 9 कलर कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस किया और 5 वेरियंट्स इंट्रोड्यूस किया है। 5 वेरियंट राइडर के हिसाब से दिया गया है, कौन सा राइडर को कौन सी गाड़ी सही रहेगी वो उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। प्राइस एकदम कम से स्टार्ट किया और गोस अप टू 1.89 लाख रुपीज, मतलब इन्होंने इतनी वैरायटीज कर दिया है बैटरीज में, प्लस उस हिसाब से उन्होंने फीचर्स को भी असाइन किया है और सारी चीजें उन्होंने काफी बैलेंस करने का ट्राई किया है। 0 to 40 की स्पीड ये 3 सेकंड्स में कवर कर लेती है, यानी जो स्प्रिंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैटरी बैग है अप टू यूज करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट वैरायटीज बैटरी की है इस कंपनी के पास, तो अप टू मतलब 5.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक मैक्स है जो कि आपको NX 100 में मिलने वाली है, जिसका प्राइस ऑब्वियसली बात है 1,89,000 का होने वाला है। अब इस गाड़ी में कैसे कैसे वेरिएंट्स में क्या क्या चीज मिलने वाली है वो सारी चीज मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो इसमें है ना कुछ वेरिएंट्स में आपको डैश कैम मिलता है, उसके बाद सेंसर से आपका जो बूट ओपन होता है वो भी मिलता है, लेकिन कौन कौन से वेरिएंट्स में क्या क्या मिलता है एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेस मॉडल जिसका नाम है क्लासिक, इसमें आपको मिलता है रियल वर्ल्ड रेंज 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर बैटरी पैक है 1.92 किलोवाट आवर, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, रिको इंजन मिलता है, रिवर्स गियर मिलता है, 7.84 इंच का डिस्प्ले मिलता है और ये टेल रिम मिलती है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है, 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर मिलता है और इसकी प्राइसिंग है लगभग 89,000। इसके बाद थोड़ा सा पैसा और ऐड करते हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही ऐड करते हैं। उसके बाद आता है प्रीमियम कैटेगरी यानी प्रीमियम वाला वेरिएंट, जिसमें आपको रेंज मिलता है 200 किलोमीटर का और यहाँ पे जो बैटरी पैक यूज की गई है 3.84 किलोवाट आवर बैटरी पैक, सब कुछ क्लासिक जैसे ही है, बस यहाँ पे कुछ चीजें जो ऐड हुई है वो मैं बता देता हूँ। राइडर ओएस 3.1 मिलता है, सेंटर स्टैंड मिलता है, उसका टच स्क्रीन दिया गया, 4G इंटरनेट मिलता है, मल्टीमीडिया नेविगेशन अलाउस मिलते हैं और 1000 वॉट का ऑन बोर्ड चार्जिंग मिलता है जो कि मेरे को बहुत सही लगा। इसके अलावा यहाँ पे जो टायर साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 100/80 हो जाता है और इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको बता देता हूँ, 1,29,000 एक शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। इसके बाद आती है थोड़ी सी और प्रीमियम कैटेगरी, दैट इज इलाइट। इलाइट में मिलता है थोड़ा सा बड़ा बैटरी, इस कारण से इस गाड़ी में जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, 300 किलोमीटर की रेंज होती है। हालांकि ये वेरिएंट्स में जो टॉप स्पीड है वो आपको वही मिलती है 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें जो बैटरी पैक है इलाइट में वो है 5.76 किलोवाट आवर। यहाँ पे लगभग जो सारी चीजें है वो प्रीमियम वाले वेरियंट जैसी मिलती है, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो मिलता है APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट, राइडर कैम, कम्फर्ट की, लेडी फुटरेस्ट, कम्फर्ट बूट, रोल प्रोटेक्शन, क्रूज कंट्रोल, TPMS मिलता है और यहाँ पे इस गाड़ी का जो प्राइस हो जाता है 1,59,000 रुपीज। ये हो गया 3 वेरिएंट। अब 3 वेरिएंट के ऊपर 2 वेरिएंट और इन्होंने ऐड किया, दैट इज स्पोर्ट्स एंड ऑफ लैंडर। अब स्पोर्ट्स में क्या एक्स्ट्रा एड ऑन है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी है वो कम कर देगा और सेम आपको प्रीमियम कैटेगरी की चीजें देखने को मिलती है, बट इसमें कुछ चीजें ऐड की गई है लाइक राइड कैम, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, रेस ट्रैक थीम, रोड प्रोटेक्शन, कंफर्ट बूट एंड कंफर्ट की, यानी 1,29,000 की जगह अगर 1,39,000 रुपीज आप पे करते हो, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, प्रीमियम की जगह आप स्पोर्ट्स वेरियंट ले सकते हो। और वैसे ही इलाइट वर्जन भी है, अगर इलाइट की जगह आपको थोड़ा सा पैसा और ऐड करके अगर आप लेना चाहते हो तो वो है ऑफ लैंडर जो आप ले सकते हो। इसमें क्या मिलता है, इसमें बैटरी सेम है, वही आपको 300 किलोमीटर की रेंज मिलती है, टॉप स्पीड अगेन 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें एड ऑन हो जाता है 300 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज, उसके अलावा अपडेट कर सकते हैं 500 किलोमीटर के लिए और अगेन ऑफ रोड थीम मिलती है, कंफर्ट बूट, रगेड रेडी और प्रोटेक्शन केज, ऑफ रोड टायर्स मिलते हैं और इसी कारण से इस गाड़ी का जो प्राइस हो जाता है 1,89,000 रुपीज। तो इतने सारे वेरिएंट इन्होंने ऐड करके रखे, मेरे हिसाब से भाई थोड़े कम वेरिएंट करते तो ज्यादा अच्छा रहता, हालांकि मॉडल सेम रहेगा, मॉडल में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो इंटरनली चीजें चेंज होती है ना वो सारी चीजें इन्होंने अपडेट की है वेरिएंट के हिसाब से। तो आपके लिए
लिए कौन सा सही रहेगा वो आप चूज कर सकते हैं। इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है 499 रुपीज से, आप बुक कर सकते हैं, रिफंडेबल भी है। गाड़ी काफी अच्छी लगी, प्रॉमिसिंग लगी। बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रिवर्ट कंपनी से, प्लीज आप थोड़ा ना जल्दी से जल्दी इसकी डिलीवरी स्टार्ट करें, लोगों को ज्यादा वेट पसंद नहीं होता। दूसरी कंपनी की तरफ से हमने देख चुका है कि लेट करने में क्या होता है, तो आप ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में।